स्वप्निल जो खेलता है चेस, आपको क्या लगता है उसमें कौन सी वो क्वालिटीज़ है जिसके कारण वो आज इतना टॉप पे है इंडिया में? उसका कारण यह है कि वो पहले से ही बहुत अपने वर्क में बहुत मेहनत करता है, और मेरा और उसका ओपिनियन गेम के बारे में हमेशा पॉजिटिव रहा है आज तक, और आगे भी उसका जो टारगेट है वो 2700 के ऊपर जाना है उसको। बस इसी अपेक्षा से वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसी। तो आपको क्या लगता है उसमें किसके गुण ज़्यादा है, आपके या उसके माँ के? नहीं, वैसे तो उसके मम्मी के ऊपर गया पढ़ाई में एकदम उनके जैसे ही, कि वो भी हरीश में 10th में मेरिट, पॉलिटेक्निक मेरिट, यूनिवर्सिटी टॉपर बीए में। वो स्वप्निल भी वैसे ही उनके इस पे गया। केवल उसका और मेरा एक ही है कि निश्चय में दोनों भी हम पक्के हैं कि जो ठहरा लेते कि भाई ये करना है तो डन हो जाता दोनों का ही मतलब इस चीज़ में कि ये चीज़ करना है यानी फिर करना है। आपने कहा कि स्वप्निल पढ़ाई में बहुत ही आगे था, तो आपने कैसे डिसीजन लिया कि उसने चेस करना चाहिए और पढ़ाई में नहीं? नहीं, वो उसके बारे में ऐसा बोलना था कि सबसे पहले 4-5 साल यानी ससुराल में लड़कों के साथ खेलता था, तो मैंने कुछ उस बात पे ख्याल नहीं दिया। फिर उस ये इंसिडेंस ऐसा हुआ कि ज्ञान माता स्कूल में ऐसे स्कूल में बच्चों की टूर्नामेंट हुई क्लास में, तो उसमें वो पहला आ गया। फिर भी मैंने कुछ ख्याल नहीं दिया। मेन बात यही बोलने की थी कि जब 3,000 बच्चों में 6 यानी 5th से लेके 10वीं तक के बच्चों में जब 3,000 बच्चों में वो टूर्नामेंट हुई चेस की, तो मेरे को ये लगा कि वो हर किसी से भी मतलब हर राउंड जीतते रहा और पूरा अनबीटन रहा और पूरा विनर हो गया उसमें। तो उसी दिन मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, ऐसा कि भाई जब इस पे ख्याल नहीं दिया तो ये स्कूल में चैम्पियन बन सकता है। और उसी दिन फिर 1 घंटा मैंने भगवान का ध्यान किया कि क्या बन सकता है। तो फिर मैंने मेरे प्रश्न दिल ने ऐसा उत्तर दिया कि भाई इस पे यदि अपन प्रॉपर वर्क करें तो ये वर्ल्ड में नंबर 1 पे जा सकता। तो फिर उसी दिन मैंने जो निर्णय लिया कि इसको चेस में बढ़ाना चाहिए, और किस्मत से इसके कोच एक मिल गए, ओम प्रकाश काकड़ा जी, उन्होंने इसका टेस्ट लिया, हमारा और मिसेस का भी इंटरव्यू लिया कि आप बच्चों को प्रमोट करना चाहते हैं, मैंने कहा हो, तो उनमें भी वो क्वालिटी दिखी कि उन्होंने इनका टेस्ट लिया स्वप्निल के, 50 से 45 गेम वगैरह चेक किए देखे और उस पर 1 महीना वर्क किया, और बाद में उन्होंने ये बोल दिया कि वर्ल्ड चैम्पियन बन सकता है। तो फिर उसी दिन से हमने सोचा कि इस पे मेहनत किया जाए। और इंसिडेंस ऐसा हुआ कि पहले इसने मजाक के तौर पे खेला, लेकिन जब ये स्कूल वर्ल्ड चैम्पियन तुर्की में बना, तो वर्ल्ड में जब 2 गोल्ड मेडल मिले इसको स्कूल में, तो उस दिन इसने बहुत सीरियस ले लिया कि मुझे IIM बनना है और मुझे विश्वनाथ आनंद के करीब जाना है। वो इंसिडेंस आज मेरा सपना पूरा हो गया, क्योंकि आई लव मेन में वो आनंद से मिला, उससे इसका डिस्कस हुआ, उन्होंने एक दूसरे का गेम भी एनालिसिस किया, और बाद में बोला कि मैं आपको फुल कोऑपरेट करूँगा करके। अब सिर्फ खेलने की अब देरी बस है। यह है कि उसके पास पहुँचना यानी वो खेल के आगे बढ़ेगा। आपने कहा कि आपने निश्चय कर लिया चेस में ही बनाना है वो दिन से, तो उसके बाद कभी ऐसा समय आया जब आपने सोचा कि ये निर्णय गलत हो गया? नहीं, ऐसा तो कुछ लगा नहीं, लेकिन 10वीं में बाहर के सराउंडिंग के लोग बोले कि इतना अच्छा लड़का है तो इसको भाई इंजीनियर बनाना चाहिए, कोई बोले IAS ऑफिसर बनाना चाहिए, और कोई बोले कि मजिस्ट्रेट बनाना चाहिए या मेडिकल लाइन में लेना चाहिए। तो उसी दिन हमारे को बहुत यानी ऐसे प्रॉब्लम आए लोगों के कि भाई इतना अच्छा बच्चा, और उसमें एक मैंने क्वालिटी देखी 10वीं से, और आज भी वही क्वालिटी है, वो पीछे भी और सामने भी बोल सकता कि उसने कोई चीज़ यदि एक बार पढ़ लिया तो उसको दोबारा आज तक के कभी कोई न एग्ज़ाम में पढ़ना पड़ा और न कहीं उसको दूसरे बार रिपीट करना पड़ा। केवल उसका इतना ही हुआ कि वो 10वीं में जब उसको 01 से इंग्लिश क्रिश्चियन स्कूल, ज्ञान माता इंग्लिश स्कूल अमरावती में डाला, और जब ये 10वीं में मेरिट भी आया और उधर स्कूल वर्ल्ड चैम्पियन बना, तो वहाँ के 6 प्रोफेसर लोगों ने इसको इंग्लिश में बहुत ही यानी पीस लिया अलग से।
बैठ के और छोड़ दिया इसको कि भाई तू ये स्कूल में मत आ। फिर खेल कॉलेज में भी वैसे ही 3 साल कॉलेज ने पूरा स्पॉन्सर किया, कॉलेज आने की कोई गरज नहीं। एक दिन बैठ गया था इस कॉलेज में तो वहाँ से इसको प्रिंसिपल ने पकड़ के भगा दिया कि तेरे लायक है कॉलेज नहीं, यहाँ लड़के लड़कियाँ बैठते और तू इसमें बैठता नहीं, बोले तेरे को क्या चाहिए, तेरे को एक प्रोफेसर दे देते। और परीक्षा के 8 दिन पहले बस वो उनसे मिलता था, वो इनको यही बोलता था भाई मेरे को फर्स्ट क्लास इतना बतला दो, ज़्यादा दिमाग है नहीं, बोले एक ही बार और एक ही बार बताना, बोले दूसरे बार मेरे को समझ में नहीं आता। वो एक ही बार पढ़ के ये हमेशा मतलब 12वीं में भी 5 ही दिन पढ़ाई किया और मेरिट में आया है कॉमर्स में। उसके बाद बीकॉम फर्स्ट ईयर भी फर्स्ट क्लास हुआ, सेकंड ईयर फर्स्ट क्लास हुआ, बीकॉम ग्रेजुएशन भी फर्स्ट क्लास हुआ। बाद में फिर एमकॉम आधे साल पढ़ा, फिर वो बोले कि फिर हम दोनों निर्णय लिए कि एमकॉम करके डिग्री लेके कहाँ घूमे, तू यदि जीएम बनेगा तो तेरे को पूरे वर्ल्ड में पहचान होंगी तेरी और एक क्वालिटी होंगी। वही सर उसके जो कोच है ओम प्रकाश काकड़ा सर, उसके मन में ऐसा ही एक तो एमबीए थे वो और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ाते और क्वालिटी बताया था कि भाई जो चेस में ग्लैमर है बोले आज और जो वर्ल्ड में तेरे को एक प्लेयर करके पहचानेंगे, एक कलेक्टर को एक डिस्ट्रिक्ट में पहचानेंगे, एक स्टेट में पहचानेंगे, बोले एक देश में यदि सिलेक्शन हुआ तो ऐसे ही इसकी क्वालिटी है बोले। लेकिन गेम में वो ग्लैमर है बोले पूरे 160 देश में तेरे को अलग एक क्वालिटी डिग्निटी मिलेंगी बोले। तो वो दिमाग में 10वीं में आ गया था हमारे, तो हमने वो सर और मैं और मिसेस हम तीनों भी और स्वप्निल, तो कोई भी गेम को आगे बढ़ाने के लिए मदर फादर का सपोर्ट होना चाहिए और विशेष करके कोच पॉजिटिव होना चाहिए और जो करने वाला है वो यदि 100% पॉजिटिव है तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो उसको रोक ले। तो आज तो वो आगे जाएगा ही ऐसा उसका निश्चय, वर्ल्ड नंबर 1 से अभी मुलाकात तो हो ही गई, शायद 5 साल में अगले बन सकता है मतलब वर्ल्ड चैम्पियन। क्या ये बात सही है कि जब स्वप्निल बहुत अच्छा खेलने लगा तब आपने अपना जॉब क्विट कर दिया? हाँ। ये डिसीजन आपने क्यों लिया? नहीं, ये डिसीजन ऐसा लेने में आया कि वो 10वीं में जब वो बिना कुछ मेहनत मतलब बिना जो यानी उसको सपोर्ट मिलना चाहिए था आज तक जो कोचेस का वगैरह, तो वो हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिसेज इंजीनियर है, मैं सैनिटरी इंस्पेक्टर कम फूड इंस्पेक्टर था कॉरपोरेशन में, वो सोशल एक्टिविटी ज़्यादा थी और पॉलिटिक्स भी बहुत ख़राब था, नगर सेवक लोगों का सुनना पड़ता था और मेरा एक स्वभाव था भाई मैं नॉन करप्ट आदमी था और क्वालिटी का काम था मेरा, तो वो मेरे को पसंद आया नहीं। बाद में जब वो आईएम बनने के बाद उसको सर्विस मिल गई तो बोले पापा आपको कोई ज़रूरत नहीं बोले करने की, मैं कर लूँगा। तो बेटा मैंने कहा तू मत करे, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने कहा आखिरी तक। और वो फिर नौकरी को मैंने रिज़ाइन मतलब VRS ले लिया तो 22,000 पेंशन मिलती मेरे को। और फिर मैंने वो IM बनने के बाद ये निर्णय ले लिया कि इसको मैं ग्रैंड मास्टर बनाऊंगा, उस दिन से मैं तेरे को पूरी छोड़ दूंगा। अब जिस दिन से GM बना उसके बाद मैं आज ही आया उसके बाद। लेकिन जब 2013 में वो GM के एकदम करीब था, सिर्फ थोड़े पॉइंट चाहिए थे, 13 पॉइंट थे, और फिर बाद में उसे और 2 साल लगे। हाँ। तब आपके मन में क्या चल रहा था? नहीं, तब मेरे मन में उसी समय भी पॉजिटिव विचार थे कि सरकमस्टेंसेस आते हैं ज़िंदगी में, आगे पीछे होते रहता है और उसका यानी जो उस गेम वो खुद बोले कि मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद कर लेता हूँ। तो मैंने भी उसको एक चांस दिया, मन का भाई तो खुद के हिसाब से कर, 1-2 साल देखा उसने किया नहीं, आखिरी में फिर उसको सलाह दिया कि मन का भाई तो अरबी रमेश सर ग्रैंड मास्टर उसके जो कोच है उसके पास जा, जो भी 50,000 रुपये 5-6 दिन का जो लगता है जा कर। और घर को हमने उसको हमेशा मैसेज ने और हमने पॉजिटिव एनर्जी दी कि तू इसमें वर्क कर और यही तेरी ज़िंदगी और यही तेरी लाइफ है और ये तेरे को करना है। और एक बार ऐसा इंसिडेंस आ गया कि वो बोले मैं चेस छोड़ देता हूँ, बोले मैं तो ग्रैंड मास्टर बन ही नहीं सकता बोले। तो ये एक बात है 2015 की नेशनल चैलेंजर टूर्नामेंट हुई थी अमरावती नागपुर में, तो वो एक अशोक कोई तो भी लोकेश वर्मा से हार गया था और कोई एक से ड्रा हो गई थी, तो उसके एकदम 9-10 पॉइंट कम हो गए थे रेटिंग में। तो वो बोले अब क्या करूँ, मैंने कहा बेटा देख मैंने ज़िंदगी में आज तक बचपन से कभी हिम्मत नहीं हारी और जो चीज़ सोच ली वो करके रहा हूँ, तो
तो तू भी मेरा ही लड़का है तो तेरे को वो क्वालिटी आज सिद्ध करना पड़ेगा, किसी से नहीं डरना। दो राउंड गए तो ऐसा समझ लेना कि अपन ने दान में दे दिए, लेकिन ये जो 11 राउंड है ये तेरे है मैंने कहा, और यही तेरे को जीतना है। और उसको फिर हमने कोच से भी ऐसी काकड़ा सर से पॉजिटिव एविडेंस डाले, और मिसेस को भी बोला इसको पॉजिटिव बोलो, और उसको बोला बिल्कुल नहीं छोड़ना, यहाँ से चैम्पियन बन के आना है तेरे को। और वहाँ से उसका जो फिर स्टार चमका तो नेशनल चैलेंजर 2015 में चैम्पियन बना। बाद में फिर मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैंने सोच लिया था जीएम बना तभी छोड़ूंगा, तो फिर केशवादास मेमोरियल भुवनेश्वर में लेके गया, वहाँ भी वो चैम्पियन बना। और फिर रह गए थे 3 पॉइंट, तो उसको उस समय की याद दिलाई मन का यार, जब 2487 थे तेरे को हमने मेयर्स का बोला खेल ले 15 पॉइंट के लिए, तूने खेला नहीं, और आज मैंने कहा 3 पॉइंट बढ़ाना है तो 2 ही टूर्नामेंट है, एक उदयपुर और एक पुणे। तो मैंने कहा अपनी महाराष्ट्र की काय को छोड़ता पुणे पास में है, यहाँ रहे, तेरे को 3 पॉइंट कवर करना है। तो 3 पॉइंट कवर होने के लिए उसको 6 राउंड खेलना पड़ा, बीच में कोई विश्वास राव से ड्रा हो गए तो फिर अपसेट हो, मैंने कहा कोई अपसेट होने की नहीं, आगे के दोनों गेम निकालो और आप ही जीएम हो करके, और जो पॉजिटिव एविडेंस भरा तो एकदम जीएम ही बन गए फिर वहाँ से। और उसमें भी ये बोला मन का अनूप सर से हार गया तो कोई बुरा नहीं, अपने कोची थे वो, लेकिन यहाँ से चैम्पियनशिप लेके जाना है। फिर मैं उसको दिखाता था कि भाई ये ट्रॉफी लगेंगी मेरे को, अपने से फ्रेंडशिप करना है, तो बोले वो डन बोले। फिर वही बात बोलने की थी कि निश्चय यदि पक्का है तो कुछ भी नहीं रुका उसको। ठीक है, बढ़िया कहानी है आपकी। सिर्फ अंत में ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे चेस प्लेयर्स हैं, उनके माता पिता को अगर एक आप एडवाइस देना चाहेंगे तो क्या होगी? मेरी तो ये एडवाइस है कि यदि उनको ग्रैंड मास्टर बनना है, और ज़िंदगी में कोई भी, मैं ऐसा नहीं बोलता कि चेस में कोई भी फील्ड में करना है, तो माँ बाप ने सबसे पहली गलती उनकी यह है कि वो बच्चों के प्रति 100% पॉजिटिव रहना चाहिए। कोई भी काम को यदि इंसिडेंस लेना है तो उसके दोष नहीं निकालना चाहिए कि वो तू ये नहीं करता वो नहीं करता, अपन ने खुद चिंतन करना चाहिए कि इसके दोष कैसे दूर होंगे, और उसको पॉजिटिव एविडेंस से देखना चाहिए। और किसी भी गेम में इम्प्रूवमेंट करना है तो कोच पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि एक आधा गेम हार गया तो निगेटिव ऐसा बोलने वाला नहीं, उसको हमेशा इनक्रेज करने वाला होना चाहिए, जिससे उसकी एक ज़िंदगी में अलग लाइफ आएंगी। और जो भी किसी भी गेम को आगे बढ़ाने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती है, पहला पापा का पूरा सपोर्ट चाहिए बच्चों को, दूसरा मम्मी का फुल सपोर्ट चाहिए, और जो कोच लगाया है वो उसने 100% पॉजिटिव करना चाहिए, और जो भी लड़का आगे बढ़ता है तो उसने अपने वर्क के प्रति 100% सही मेहनत करने को होना, और निश्चय पक्का होना, गॉड यानी भगवान भी उसको पूरी मदद करेंगे हर चीज़ में। धन्यवाद आपके समय के लिए, और इतना अच्छा आपने सब बताया उसके लिए, थैंक यू।